मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की इस 31st क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं डिस्कस, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें वेटेज एवरेज का यूज किया जाता है और क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है। लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि मैं बताऊंगा वो पूरा बेसिक से बताऊंगा, तो मैं दो मेथड की बात करूंगा यहां पर, जो आपको सुटेबल लगे वो आपको करना होगा। लेकिन मैं बेसिक एक बार जरूर बताऊंगा पहले क्वेश्चन के लिए, बाकी उसके बाद के क्वेश्चन के लिए एकदम बेसिक पर जाने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चन जो वेटेज एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर आता रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर आता रहा है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन की बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया जाता है, उसमें स्कॉलरशिप पाने वाले और नहीं पाने वालों के बारे में डिस्कस किया जाता है, और फाइनल रिजल्ट में कुछ पूछा जाता है कि स्कॉलरशिप कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को मिलता है या कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर आते रहे हैं वो हम लोग कर चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं और आपको समझा चुका हूं। लेकिन अगर हम देखेंगे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिखें, उसी तरीके से सॉल्व करना हो, तो कैसे तरीके, किस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपके एग्जाम में दिख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने यहां पर सिलेक्ट करके 5-6 क्वेश्चन रखा हुआ है, और वो क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे और समझेंगे, और किस तरीके से करना है वो आपको समझाऊंगा मैं और आप समझ पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो पहला है, जो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 6%। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 60% मोर देन इट्स ब्रेथ, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर। हिंदी में मतलब यह है कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है जबकि उसकी चौड़ाई को 6% घटा दिया जाता है, और यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है तो बताइए उस आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो अगर आप देखो तो एरिया से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वहां सक्सेसिव पार्ट लगता था, वहां पर इनटू का केस होता था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो भी रिजल्ट आपका मिलता है, जो भी रिजल्ट मिलता है वो आपका दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के सम करने से मिलता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के सम करने से मिलता है, और फिर उसके बाद इसमें बोला जाता है ये चेंज हो कितना गया, बढ़ गया, घट गया, कितना परसेंट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप वेटेज एवरेज यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, वो आपका बेसिक रीजन है, और ये चीज मैं बताया हूं शुरू के वीडियो में, अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे एकदम क्लियरली। तो सक्सेसिव पार्ट तब लगता है जब एक के ऊपर एक कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर यहां ए में चेंज हो, बी में चेंज हो, तो एक के ऊपर एक नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। तो फिलहाल इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जगह मैं क्वेश्चन वाइज ही बढ़ रहा हूं। इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है आप देखिए कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20%, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 6% घटा दिया जाता है। पहली बात आयत, आयत क्या, आयत मतलब अगर हम यहां पर आयत की बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, तो हमें यह पता होना चाहिए क्योंकि पेरीमीटर में चेंज करने की बात की गई है। तो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, एक तो आपका लेंथ हो गया एल, ब्रेथ को मैंने इंडिकेट कर दिया बी से, तो एरिया नहीं, हमें यहां पर पेरीमीटर में चेंज करने की बात कर रहा है, तो हम बताएंगे यहां पर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें एल और बी में चेंज हो रहा है और बीच में प्लस का साइन है, तो आप यहां पर सक्सेसिव पार्ट यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि एक के ऊपर एक कैलकुलेट नहीं हो रहा, दो अलग अलग वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर हम यहां देखेंगे पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, तो पहले जो पेरीमीटर रहा होगा 2 इंटू एल प्लस बी रहा होगा, और नया वाला आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो नया वाला पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, कैपिटल एल कैपिटल बी से इंडिकेट किया, तो यहां पर रिजल्ट निकल के आ गया, दो का कोई वैल्यू नहीं है, आपका आया एल प्लस बी अपॉन कैपिटल एल प्लस कैपिटल बी। ये रेशियो आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले से बाद में कितना, किस रेशियो में बढ़ा है, यानी कितने परसेंट बढ़ा है, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब आप यहां पर आइए देखिए कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अच्छा थोड़ा सा अलग तरीके से अगर हम समझे इसको, लेंथ एंड ब्रेथ, मैंने कहा
लेंथ को 20% बढ़ाया गया, ब्रेथ को 6% घटाया गया है, और बोला गया कि जो लेंथ है वो 60% ज्यादा है। 60% मतलब हम कह सकते हैं 3/5, 60% 6500, 3/5 लेंथ ब्रेथ से 60% ज्यादा है, यानी ब्रेथ को चौड़ाई अगर हम मानते हैं कितना, चौड़ाई अगर हम मानते हैं यहां पर कि 5 होगी तो 3 ज्यादा 8 होगी लंबाई, यानी अगर चौड़ाई 5 होगी तो लंबाई 8 होगी। एकदम बेसिक पे जा रहा हूं, एक बार थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, 6 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में मैं एकदम बेसिक यूज बताऊंगा, उसके बाद आपको जैसे भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग समझ के करना है। तो अब आप देखिए कि लेंथ अगर आपका 8 होगा तो ब्रेथ 5 होगा, यानी ब्रेथ 5 होगा तो लेंथ 8 होगा, रेशियो का साइन है आपका बीच में, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। अब वो आपका चेंज किया जा रहा है कि ये इंक्रीज किया गया है, ये डिक्रीज किया गया है। अब ये था कितना, ये तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो का साइन हटाया तो मैंने लिखा ये 5x था तो ये 8x था। अच्छा अगर लेंथ को देखें तो कितना इंक्रीज किया गया, 20%। अगर लंबाई को 20% बढ़ाया जाएगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप लिखेंगे 8x थी और बढ़ी कितना, तो आप कहेंगे कि 8x थी और इनटू उसका कितना परसेंट बढ़ी है, 20%, यानी 20/100, ये आपका 20/100 आ गया, यानी लेंथ कितना इंक्रीज हुई, तो जो भी 8x आपका उसका लंबाई था उसका 20%। ये तरीका नहीं अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, लेकिन इसी से शॉर्टकट बनता है जो आपका वेटेज एवरेज का पार्ट हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये तरीका तो एकदम नहीं अप्लाई करना है, बाकी जो दो तरीके होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से सोचना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। यहां लेंथ कितना इंक्रीज हुई, तो जो भी लेंथ था उसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये वो वाला पार्ट आएगा जितना की लेंथ पहले के कंपेयर में ज्यादा हो गई, और ब्रेथ कितना डिक्रीज हुई, तो इतना लेंथ बढ़ी और इतना ब्रेथ डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज कितना हुई, तो आप 5x है, 5x का कितना परसेंट डिक्रीज हुई है, तो आपको दिया गया है कि 6%, यानी 6% निकाला तो ये आपका आ जाएगा कि जो ब्रेथ थी वो कितना डिक्रीज हुई। तो लेंथ ब्रेथ मिला के कुल कितना हुआ, तो आप यहां से देखेंगे कि अगर इन दोनों को एड कर दें तो टोटल रिजल्ट आएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल रिजल्ट आएगा, यानी टोटल रिजल्ट पहले का कितना रहा होगा, 8x प्लस 5x, ये टोटल आपका क्या था पहले का पेरीमीटर, दो तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो उसे लेना देना नहीं है ज्यादा, कि अगर पहले का पेरीमीटर रहा होगा 8x प्लस 5x, तो बाद में l प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको पता है कि बाद में क्या हो जाएगी वो नहीं हमें पता करना, हमें पता करना है कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज या डिक्रीज जो होगा वो अगर यहां पर देखेंगे कैलकुलेट करके कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ किस पर, तो पुराने वाले पर, यानी 8x प्लस 5x, 13x पे। तो आपको पता चला कि इतना लेंथ इंक्रीज हुआ और ब्रेथ इतना डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल कितना आपका यहां पर ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, तो ये ओवरऑल इंक्रीज या फिर डिक्रीज, अगर इंक्रीज वाला ज्यादा आ रहा है डिक्रीज वाले से तो हम कहेंगे कि ओवरऑल इंक्रीज हुआ, और अगर माइनस वाला पार्ट ज्यादा आ रहा है प्लस वाले से तो कहेंगे ओवरऑल डिक्रीज हुआ। फिलहाल देखने से ही पता चल रहा है कि आपको यहां पर इंक्रीज हुआ है, तो इतना इंक्रीज हुआ है कितने पर, तो आपका पहले कितना था 8x प्लस 5x, और आपका परसेंटेज में चाहिए तो कैलकुलेट करने के लिए इनटू 100 किया, और अगर इनटू 100 किया तो यहां से क्या रिजल्ट मिलकर निकल करके आया कि अगर यहां से x देखें तो ये आपका x जो होगा वो कॉमन हो गया, यहां से x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन लिया, वो कैंसिल हो जाएगा, वो आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, मैं निकाल के लिख नहीं रहा हूं, एक स्टेप आपको दिखाया कि यहां दोनों जगह एक्स है वो कॉमन आएगा, यहां दोनों जगह एक्स है वो कॉमन आएगा, वो हमेशा एक्स कॉमन आएगा अगर इस फॉर्मेट में करते हैं तो। तो अब आपका ऊपर क्या बचा, आपके दिमाग में आ रहा होगा 100, यहां पर देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये डायरेक्टली 100 आएगा, तो यहां पर भी या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहां से 1/100, यहां से 1/100, यानी 1/100 अगर कॉमन लेंगे इसके बाहर लिखेंगे और इनटू 100 करेंगे तो आपका ये 100 है, ये दोनों 100 कॉमन लेकर के इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 8 × 20 प्लस 5 × 6 और डिवाइडेड बाई 8 + 5 = ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, और ये रिजल्ट आ रहा है 160 - 30 = 130 और अपान में 13 = 10%। तो शॉर्टकट क्या बना आपका, शॉर्टकट ये बना। अब ये शॉर्टकट जो बना है इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, तो तुरंत दे सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पूरा डिटेल से समझाया है, और किस तरीके से तो वो आप देख सकते हैं ऐसे करेंगे कि अगर बोला गया लेंथ और ब्रेथ, लेंथ के बारे में बोला गया कि जो भी था आपका यहां से पहले निकाल चुके हैं कि 60% ज्यादा था तो 3/5 5 होगा तो ये 8 होगा, कैसे होगा तो वो मैं अभी आपको बताया था।
अब लेंथ को कितना इंक्रीज किया गया है, तो लेंथ को इंक्रीज किया गया है 20%, लेंथ 20% इंक्रीज हुआ है प्लस, और ब्रेथ कितना डिक्रीज हुआ है -6%। तो आप बताइए कि ओवरऑल कितने परसेंट चेंज हुआ। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि इसका इससे मल्टीप्लाई डायरेक्टली इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई 8 into 20, आप देखिए तो 160 माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो 5 into 6, आप देखिए 5 into 6 क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस हो जाएगा, 5 into 6 30, और डिवाइडेड बाय 8+5, दोनों रेशियो ऐड करके डिवाइड कर दिया, 8+5 13, ऊपर 130/13 इज इक्वल टू 10%, क्योंकि प्लस का आ रहा है तो हम कह पाएंगे यहां पर कि जो परिमाप था वो 10% इंक्रीज हो जाएगा पहले के कंपेयर में। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तो तरीका ये आपको मैंने सिखाया, इसका बेसिक मैंने बताया है, तो ये आपको एकदम बेसिक नहीं करना है पूरा कि ये करने बैठ जाओ पूरा, आपको एक्चुअल में ये वाला तरीका जो होगा सबसे सुटेबल होगा, जिसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेटेज एवरेज का ये रेशियो यहां पर यूज होने वाला है, और अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप हर जगह यूज करना स्टार्ट कर दें तो वो प्रॉब्लम है। तो आपको समझना है पहले अच्छे से कि कहां पर यूज होता है, उसके बाद क्वेश्चन में यूज करना है। वो आपका ऐसा नहीं है कि जहां सक्सेसिव पार्ट लगाना हो वहां वेटेज एवरेज लगा दो, जहां वेटेज एवरेज लगाना हो वहां सक्सेसिव पार्ट लगा दो, ये मैं वीडियो में पीछे की बता चुका हूं पूरा डिटेल से, तो वहां जाकर के एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब कि मैं इसी चीज को देखिए कि ये जो आपका लिखा था वो ये लास्ट स्टेप आया उसको इस तरीके से कर दिया और आंसर निकल आया, और इसी तरीके का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका दो कैंसिल हो गया, एल प्लस बी अपॉन कैपिटल एल प्लस कैपिटल बी का रेशियो अगर आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो आप एक काम कर सकते हैं ऐसा भी, लेंथ ब्रेथ जो आपने ये किया उसमें अगर आप 10% निकाल के लिख रहे हैं तो इसको सोचने का तरीका बदल सकते हैं। कैसे? तो आपने अभी निकाला था 5 और 8 का रेशियो है इनके लेंथ और ब्रेथ में, मतलब लेंथ अगर 8 होगा तो ब्रेथ 5 होगा, अगर लेंथ 80 होगा तो ब्रेथ 50 होगा, 50 होगा। तो अब देखिए कि लेंथ को कितना इंक्रीज किया गया है 20%, और ब्रेथ को कितना डिक्रीज किया गया है 6%। ओवरऑल चेंज की बात कर रहा है तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ इसको निकालने के लिए आपके दिमाग में कोई एक वैल्यू ले लीजिए जो इनके मिड में आती हो, मिड में मतलब मिड में का मतलब एकदम मिड पॉइंट पर नहीं आती हो, इसके बीच में कहीं पर आती हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। देखिए ये प्लस 20 है और ये माइनस 6 है, ध्यान से देखना कि ये 0 होता है, इधर आपका 20 है और ये माइनस 6 है, तो आप बताइए कि इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। आप चाहो तो 0 भी ले सकते हैं, आप चाहो तो 10 भी ले सकते हैं, या आप चाहो तो 15 भी ले सकते हैं। तो ऐसा लो जो कि उसके लगभग बीच में हो, ताकि जो एक जितना ज्यादा हो दूसरा उतना कम हो, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए बस इतना करना होगा कि आपको एक वैल्यू सोचनी होगी। मैंने कहा कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि 10%, अगर लेंथ को 20% इंक्रीज किया गया, ब्रेथ को 6% डिक्रीज किया गया, ये लॉजिक मैं बताऊंगा, ये लॉजिक और ये लॉजिक दोनों हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन वाइज देखते रहेंगे। मैंने कहा कि ओवरऑल 10% इंक्रीज हुआ, अगर मैंने कहा कि ओवरऑल 10% इंक्रीज हुआ तो हम देखेंगे कि यहां पर 10% से कितना ज्यादा है, तो यहां पर 10% से ज्यादा कितना दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि 10% हमने ओवरऑल मैंने माना है कि लेंथ भी 10% इंक्रीज हुआ, ब्रेथ भी 10% इंक्रीज हुआ। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल इंक्रीज होते हैं ना तो सोचना ही नहीं होता, सीधा कहते कि ओवरऑल भी 10% इंक्रीज हुआ। अब जैसे ये देखो कि लेंथ अगर 10% इंक्रीज हुआ प्लस ब्रेथ अगर 10% इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ एल प्लस बी, तो अगर आप देखें तो 10% ऑफ, यहां पर देखिए कि जो आपका 10% इंक्रीज हुआ लेंथ और 10% इंक्रीज हुआ ब्रेथ, तो अगर ओवरऑल कितना चेंज हुआ तो आप कह पाएंगे डायरेक्टली कि 10% कॉमन आ गया एल प्लस बी, मतलब जो लेंथ और ब्रेथ था मिला करके पहले एल प्लस बी था, और अब जो हो गया लेंथ और ब्रेथ मिला करके वो पहले से 10% इंक्रीज हो गया, यानी अगर 10% इंक्रीज हुआ तो 110% हुआ, ये भी 110% हुआ, यानी L प्लस B ओवरऑल 110% हो गया। तो जब आपका बीच में प्लस का साइन है और अगर हर एक वैल्यू को सेम टर्म से इंक्रीज करते हैं 10% सबको 10% इंक्रीज कर दें
तो वो आपका जो रिजल्ट होगा ओवरऑल 10% इंक्रीज होगा। हर एक टर्म्स को जिस परसेंटेज से, एक फिक्स परसेंटेज से, अगर हर एक टर्म्स को अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, या तो इंक्रीज करिए तो सबको इंक्रीज करिए, या तो डिक्रीज करिए तो सबको डिक्रीज करिए, तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल रिजल्ट भी उतना ही डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि किसी कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉय की सैलरी को 10-10% बढ़ा दिया, तो जो सैलरी पे कर रही है ओवरऑल उसका कितना परसेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो सीधा सा कह पाएंगे 10% आपका ज्यादा पे करना पड़ेगा। और सबकी सैलरी को 20-20% अगर डिक्रीज करके वो देना स्टार्ट कर दे, तो ओवरऑल सैलरी जो दी जा रही थी वो भी 20% ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन सबका इक्वल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, तब आप ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ओवरऑल लेंथ और ब्रेड्थ मिला के कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो मैंने कहा 10%, मैंने कहा कि ये भी 10% इंक्रीज हुआ और ये भी 10% इंक्रीज हुआ। तो अगर जो हमने माना है उसमें गलती क्या की है, मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि 10% लेंथ इंक्रीज हुआ, लेंथ की लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है 20%। अगर लेंथ 20% इंक्रीज हुआ है तो कितना मैंने कम माना है, यहां पर आपका कितना यहां का छोड़ दिया है 10, और 10 × 8 10% छोड़ा है और 8 बार छोड़ा है, तो यानी 10 × 8 बराबर 80%, ये आपका प्लस का 80% आ गया। और यहां पर देखिए कि 10% इंक्रीज माना है जबकि 6% डिक्रीज था, यानी कितना आपने ज्यादा माना है, तो ज्यादा माना है ये 10% इंक्रीज है, 6% डिक्रीज है, यानी 0 से 10 ज्यादा है, 0 से 6 कम है, यानी टोटल कितना 16%। 16% आपका यहां पर, आपने यहां पर क्या करना होगा, क्योंकि यहां पर आपका 16% ज्यादा मान लिया, तो 16% 5 बार आपको कम करना होगा, 16×5 = 80% आपका ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 16% है ये, और इससे आपका ये कितना है 10% अधिक है, और इससे आपका ये कितना है 16% कम है। तो आप डायरेक्टली लॉजिक 10 × 8 = 80% और ये 16 × 5 = 80 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि कम है आपका, माइनस 80 और प्लस 80 कैंसिल हो गया, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं होता तो 8 + 5 = 13 से डिवाइड कर देते, और फिर रिजल्ट जो आता उतना अगर प्लस आता तो इसमें प्लस कर देते, माइनस आता तो माइनस कर देते। फिलहाल आपका 0 आ रहा है, 0/0 आपका 0 हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट आ गया कितना 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एकदम बेसिक पे नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फीमेल, अगर हम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है, पहले तो नहीं दिखाई दे रहा था, तो लेकिन अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी इज 12.5% लेस देन द नंबर ऑफ मेल, एंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अमंग मेल एंड फीमेल आर 25% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। इफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन द सिटी इज 1640 देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सिटी। हिंदी में तब तक आप भी पढ़ लेंगे, मेरी स्पीड ज्यादा रही है क्वेश्चन को पढ़ने में, तो आप तब तक पढ़ लेंगे कि किसी शहर में औरतों की संख्या आदमियों की संख्या से 12.5% कम है, और आदमियों और औरतों में लड़के जो है उसका प्रतिशत 25% और 10% है। अगर उस शहर में 1640 जो है वो वयस्क हैं, तो बताइए बच्चे कितने हैं उस शहर में, तो बताइए बच्चे कितने हैं उस शहर में। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपको पहले तो यह देखना होगा कि मेन और वेमेन, यानी मतलब मेल और फीमेल की बात की गई है, तो मेल और फीमेल का क्या रेशियो है। तो मेल और फीमेल का रेशियो यहां पर निकल के आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, मेल एंड फीमेल। तो मेल के बारे में बताया गया कि मेल फीमेल से 12% कम नहीं है, ये बोला गया है फीमेल यानी औरतें 12.5% कम है। 12.5% का मतलब हुआ 12.5% का मतलब हुआ 1/8 कम है। तो जो औरतें हैं वो 1/8 कम है किससे, मेल से, यानी मेल को अगर हम कहते हैं कि मेल 8 होंगे तो एक कम, फीमेल 7 होंगी, मेल 8 होंगे तो फीमेल एक कम 7 होंगी, यानी मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। उसके बाद बोला गया कि जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अमंग मेल एंड फीमेल, बच्चों को हटा दो बाकी एडल्ट हैं वयस्क हैं, ये बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो बोला गया कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अमंग मेल एंड फीमेल आर 25% एंड 10%, यानी बोला गया है कि मेल में जो आपके बच्चे हैं, मेल जितने भी थे उसके 25% बच्चे हैं, और जो फीमेल है उसमें बच्चियां कितनी हैं, तो उसके 10% के बराबर शायद दिया गया, हाँ 10% फीमेल जितनी भी है उसके 10% उसमें बच्चे हैं, यानी 25% मेल है तो 75% आपका, सॉरी 25% जितने भी मेल हैं उसमें 25% अगर बच्चे हैं, तो बाकी जो 75% बच्चे हैं उन्हें हम कहेंगे कि वो एडल्ट हैं वयस्क हैं, और जो यहाँ पर फीमेल है उसमें 10% अगर बच्चे हैं तो उसमें एडल्ट कितने हैं वयस्क कितने हैं, तो 90% है। तो
तो यहां पर आपको दिया गया है किसकी संख्या, एडल्ट की संख्या दी गई है, और आप पूछा किसकी संख्या जा रहा है उस शहर में, बच्चों की संख्या। तो अब हम यहां पर देखते हैं वही वेटेज एवरेज निकालते हैं, अगर हम चाहें तो यहां पर निकाल क्या सकते हैं, डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हैं कि एडल्ट कितने प्रतिशत है ऑन एन एवरेज, और अगर हमें निकालना हो कि बच्चे कितने प्रतिशत है ऑन एन एवरेज टोटल का, तो टोटल में 8+7 टोटल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा, तो ये जोड़ने पर आएगा। तो वेटेज एवरेज का यूज करेंगे, यहां पर 8 का 25% बढ़ाना है, 7 का 10% बढ़ाना है, तो ओवरऑल कितना प्रतिशत बढ़ा, तो फिर से एक्स वाई के फॉर्मेट में मैं नहीं लिख रहा हूं, जो कि पहले क्वेश्चन में पूरा डिटेल से समझाया था। अब डायरेक्टली एक तो तरीका ये वाला है, जो ये वाला है कि मेल आपका इंक्रीज हुआ है, देखिए इंक्रीज हुआ है तो प्लस का साइन रहेगा, डिक्रीज होता तो माइनस का साइन होता है। तो 8 गुणे 25 कितना होता है, 8 × 25 200+ का आ गया। उसके बाद यहां पर आप देखिए कि ये भी इंक्रीज हुआ है, 10 × 7 = 70 आपका यहां पर आ गया, और डिवाइडेड बाई, दोनों परसेंटेज है, डिवाइडेड बाई 8+7 = 15, यानी यहां से रिजल्ट आ गया 270/15, और ये आपका रहा है 5 से 5, 5, 4, 5, 3, यानी 18%। तो जो भी पॉपुलेशन है टोटल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसका 18% ऑन एन एवरेज कौन है, बच्चे। ऑन एन एवरेज बच्चे कितने हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है इस शहर की मेल फीमेल मिला के, उसके 18% के बराबर बच्चे हैं। तो एक तो तरीका यह है, अच्छा अगर 18% बच्चे हैं तो 100% टोटल पॉपुलेशन में से अगर 18 माइनस कर दें तो जो बचा वो 82%, और ये 82% कौन है, तो हम कहेंगे कि यही तो एडल्ट हैं उस सिटी में, इतने एडल्ट हैं 82%। 18% अगर बच्चे हैं तो एडल्ट कितने हैं, 100% में से 18% माइनस कर दो, तो 82% अगर उस सिटी में एडल्ट हैं, और क्वेश्चन में दिया गया है एडल्ट की संख्या कितनी है, तो आपको यहां दिया गया है एडल्ट की संख्या है उस सिटी में 1640। अगर एडल्ट की संख्या 1640 है तो हम लिख सकते हैं 1640, 82% इज इक्वल टू 1640, देन 1% इज इक्वल टू, तो 82 से डिवाइड करते हैं, 1640 डिवाइडेड बाई 82 इज इक्वल टू 20, 1% की वैल्यू 20 होगी। और हमें क्या बताना है, हमें टोटल पॉपुलेशन बताना होता है उस शहर की, तो हम डायरेक्टली 100% निकालते हैं, लेकिन हमें बताना है देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दिस सिटी, बच्चे कितने प्रतिशत हैं उस शहर में। तो हम कहेंगे कि बच्चे तो 18% है, तो प्रतिशत नहीं वैल्यू, अगर संख्या बतानी है तो 1% की वैल्यू 20 है, तो 18% बच्चे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन का 18%, 1% 20 है, तो 18% × 20 कर दिया, 18 × 20 = 360। इतने शहर में कौन है, चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, उस शहर में कुल कितने बच्चे हैं, 360। टोटल पॉपुलेशन की बात की नहीं गई है, बच्चे कितने हैं उनकी बात की गई है, तो 18% है, 1% 20 आया था, तो 18% 18 × 20 18 × 20 = 360 चिल्ड्रेन है उस सिटी में। एक तो तरीका यह है, अच्छा दूसरा तरीका सोचने का है, और अगर सोचें, अगर ध्यान से समझें तो किस तरीके से, तो वो आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर डायरेक्टली निकालने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से सोचना है। आप यहां पर देखिए, बस इतने से देखिए, मैंने कहा कि ओवरऑल कितने, ये प्लस का 25% है, यहां पर प्लस का 10% है, यानी मैंने कहा कि 25% मेल और फीमेल कितने, 10%। तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैंने मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन के 15% बच्चे हैं, यानी मैंने कहा कि मेल में भी 15% बच्चे थे, फीमेल में भी 15% बच्चे थे, तो मेल में भी 15% बच्चे थे, फीमेल में भी 15% बच्चे थे, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल भी 15% बच्चे होंगे। लेकिन आप देखिए कि ये 15% से कितना ज्यादा है, तो प्लस का 10 है, और ये 15% से कितना कम है, तो माइनस का 5 है। तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली इस तरीके से करना होगा, आपने एवरेज 15% माना, लेकिन ये 10 ज्यादा है, तो 10 × 8 बराबर प्लस का 80 आ गया, और प्लस का 80 आ गया, और यहां पर कितना आ गया, -5 × 7, 7 × 5 = 35, माइनस का 35 आ गया। तो आपका प्लस का कुल मिला के कितना बचा, तो आपको दिखाई दे रहा है प्लस का 80 माइनस का 35, प्लस का 80 माइनस का 35, तो ये आपका आ जाएगा 45। अब 45 प्लस का आ रहा है, अब आपको क्या करना होगा कि अगर इतना प्लस का आ रहा है तो डायरेक्टली उसको सभी में इक्वल इक्वल डिवाइड करो, तो 8 और 7 कितना होता है, 15, सब में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा तो सबको कितना कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3%। अब यहां पर ये मत करना कि सब में डिवाइड करने जाए, टॉफियां हैं क्या बच्चे, टॉफियां हैं क्या, बट आपको समझाने के लिए परसेंटेज को डिवाइड में कर रहा हूं,
तो 45% आर आपका प्लस का, और 8, 7, 15 भाग में डिवाइड करेंगे तो हर एक भाग को 3-3% मिलेगा, और सबको 3-3% बढ़ाएं तो ओवरऑल 3% बढ़ जाएगा, यानी 15 से 3% ज्यादा, यानी कि बच्चे कितने थे 18%, बच्चे 18% थे जो आपने यहां निकाला, उसी को सोचने का एक तरीका बदल गया, और आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। 18% है तो एडल्ट कितने, 100 - 18% 82%, बाकी की कहानी वैसे ही। तो आप जो ऑन एन एवरेज है निकालने का तरीका, वो आपका एकदम बेसिक ना जा करके, या तो आपका रेशियो मेथड जो मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके, या फिर जो मैंने अभी बताया कि इस तरीके से सोचा जा सकता है। और अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो कई सारे क्वेश्चन है, आपको एकदम कैसे सोचना होगा, अरे क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग 140 क्वेश्चन ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर्ड 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड टू करेक्टली आंसर टू स्कोर 60% इन द टेस्ट, 60% इन द टेस्ट। अच्छा, अगर आप यहां क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन की बात की गई है कि एक जो टेस्ट है उसमें 140 क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट ने 140 में से जो 80 क्वेश्चन थे उसके 70% क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, और जो बाकी बचे मतलब 60 क्वेश्चन, उस 60 क्वेश्चन में से कितने प्रतिशत क्वेश्चन का आंसर वो सही दे, जिससे अगर उसे ओवरऑल स्कोर की बात की जाए तो ओवरऑल स्कोर मतलब आपका जो क्वेश्चन है सारे 140 उसके 60% के बराबर वो सही क्वेश्चन का आंसर दिया हो। तो इसके लिए आपको फिर से आइए यहां पर भी वेटेज एवरेज की बात की गई है, 80 अलग था, 60 बाकी जो क्वेश्चन 60 थे अलग थे, यानी टोटल में कितना चेंज हो रहा है, तो 80 + 60, तो यहां पर भी वेटेज एवरेज का यूज करेंगे, और किस तरीके से करेंगे वो आप यहां देख सकते हैं। एकदम बेसिक पे मैं नहीं जाऊंगा कि पूरा क्वेश्चन वाइज करूं, क्वेश्चन को लिख लिख के करूं, आप ऐसे देखो कि टोटल 140 क्वेश्चन है, और उस 140 क्वेश्चन में से पहले तो बोला गया 80 क्वेश्चन की बात की गई है, 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से 70% उसके 70% बच्चे ने 80 क्वेश्चन में से 70% का सही आंसर दिया है और बाकी का गलत दिया होगा। तो 140 से अगर 80 हटा दें, 140 से अगर 80 हटा देते तो बचा कितना, तो आप कहेंगे कि 60 बचा, और उसने 60 क्वेश्चन का आंसर कितना परसेंट करेक्टली दिया है नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन मार्क अगर ये है कि कितना परसेंट सही आंसर दे, तो मैंने कहा x परसेंट सही आंसर दे, जिससे ओवरऑल कितना परसेंट उसका आना चाहिए, तो 60% आना चाहिए ओवरऑल उसका, जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मिला करके हैं उसका एवरेज कितना आना चाहिए, तो 60% आना चाहिए। तो यहां पर भी वेटेज एवरेज का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप देखिए यहां पर रेशियो कितना रहा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 4:3, यानी आप इसको हटा करके लिख सकते हैं 4:3, यानी 4 क्वेश्चन थे और इन 4 के 70% क्वेश्चन का आंसर सही दिया, और जो 3 क्वेश्चन थे उसके कितने प्रतिशत क्वेश्चन का आंसर सही दे, जिससे ओवरऑल उसका सही आंसर देने का जो वेटेज है एवरेज है वो 60% आया, यानी 4 + 3 = 7 का 60% क्वेश्चन का आंसर वो सही दिया हो। तो अब आप देखिए एक तो तरीका वही वाला है मल्टीप्लाई करने वाला, तो आप कहेंगे 7 × 4 + 280, यहां पर 3 × x यानी +3x%, परसेंटेज का साइन रहेगा बाहर रहेगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं यहीं पर रहने देते हैं, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी x परसेंट जो कि हमने माना है, और प्लस 4 + मतलब इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करना है, 4 + 3 = 7 बराबर कितना आना चाहिए 60%। तो यहां से जो निकल के आ रहा है 3x = 60 × 7 = 420 - 280, तो ये आपका कैलकुलेट करके देखते हैं, 420 में से 0 हो गया, 12 × 8 = 4 हो गया 140, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 140 / 3, और अगर देखें डिवाइड करके तो 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 46 / 2/3%। तो अब आपका x का वैल्यू तो आ ही गया, मतलब आंसर आ गया कि नहीं, x परसेंट मतलब हम कह सकते हैं 46 / 2/3%, यानी 46 से 2/3% जो है उसने सही आंसर दिया है, किसका, 60 क्वेश्चन के 46 से 2/3% क्वेश्चन का आंसर उसने सही दिया होगा, तभी उसका जो मार्क्स है वो कितना आ रहा है ओवरऑल, उसका सही जो आंसर कर रहा है टोटल क्वेश्चन का 140 क्वेश्चन का 60% क्वेश्चन सही कर रहा है। अच्छा, अगर इसको दूसरे तरीके से सोचा जाए जो मैं अभी बता रहा था, और आप समझिए इसको ध्यान से,
यहां पर आना चाहिए वेटेज एवरेज 60 आना चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो वेटेज एवरेज यहां पर हमारा 60 ही आना है, तो हमने कहा 60 है तो यहां पर भी 60, यहां पर भी 60, तो आप देखो कि यहां पर अगर 60 है यहां पर भी 60 है तो ओवरऑल 60 आएगा, तो ये 60 से कितना ज्यादा है, प्लस 10 ज्यादा है। अगर 60 से प्लस 10 ज्यादा है तो आप यहां देखिए कि ये 60 से अगर प्लस 10 ज्यादा है, अगर 60 से ये प्लस 10 ज्यादा है तो आप कहेंगे कि 4 × 10 = +40, तो अगर यहां प्लस 40 आ रहा है तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर जितना ज्यादा आ रहा है वहां पर इतना कम आना चाहिए, जितना यहां पर ज्यादा आ रहा है वहां यहां पर उतना कम आना चाहिए। किस से, अगर 60 से यहां पर कम होना चाहिए, ये 60 से 10 ज्यादा था तो मैंने कहा यह 60 से कितना कम है, तो मैंने कहा k कम है, अगर k कम है तो बताइए 3 × k ओवरऑल कितना कम होना चाहिए, = 3 × k आपका, यानी यहां जितना ज्यादा हो रहा है वहां इतना कम होना चाहिए 60 से, ताकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए जिससे ओवरऑल आपका 60% रह जाए एवरेज। तो इसके लिए जितना एक जगह ज्यादा होगा दूसरी जगह उतना कम होना चाहिए, तो ये 60 से कितना ज्यादा है, 10 × 4 = 40 ज्यादा हो गया, ये 60 से कितना कम है नहीं पता, तो k, तो 3 × k यानी 3k कम हो गया, यानी ये दो जितना ज्यादा है उतना कम होना चाहिए, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करते हैं 40 को 3 से, और 40 को 3 से डिवाइड करें तो 13 सही 1/3 आ गया, और 13 सही 1/3 इससे ये कितना कम है, 13 सही 1/3 यानी माइनस करके देखते हैं, 13 माइनस करते हैं तो बचता कितना है 47, और 1/3 और माइनस करेंगे तो 46 2/3%, ये आपका आंसर आ गया फिर से। तो तरीका क्या है ना सोचने का, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता ना तो और ज्यादा आसान लगता, लेकिन फ्रैक्शन में आने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं वो वाला तरीका तो बेहतर है। फिलहाल अगर आपका फ्रैक्शन नहीं होता तो ज्यादा आसान होता, मैं समझाऊंगा दोनों, जहां पर जो सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, दोनों बेहतर तरीके हैं, लेकिन आपका ये जो तरीका है इसमें कहीं डाउट हो ही नहीं सकता, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, इतना ध्यान रखना है। तो जैसे आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन मैंने दोनों तरीके की बात करा तो उन्हीं दो तरीके की बात करता चलूंगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका इन ए टाउन कंसिस्टिंग, ये क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझने पड़ेगा क्वेश्चन को, अगर आपने ध्यान नहीं दिया लिटरेट और इलिटरेट कहां लिखा है तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है, इन टाउन कंसिस्टिंग ऑफ 3 लोकैलिटीज ए बी एंड सी, द लोकैलिटीज ऑफ द 3, द पॉपुलेशन ऑफ द 3 लोकैलिटीज ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 9:8:3। इन लोकैलिटी ए 80% ऑफ द पीपल आर लिटरेट, इन लोकैलिटी बी 30% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, ये ध्यान रखना है 30% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, इफ 90% पीपल इन द लोकैलिटी सी आर लिटरेट देन फाइंड द परसेंटेज लोकैलिटी, देन फाइंड द परसेंटेज लिटरेसी इन दैट टाउन। क्वेश्चन ये है, एक टाउन, एक शहर के में तीन मतलब लोकैलिटीज हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं लोकैलिटीज को आप जानते होंगे, मतलब मान लेते हैं कि सेक्टर है शहर में, 3 सेक्टर ए बी सी मान लेते हैं यही है, तो 3 लोकैलिटीज हैं ए बी सी, और उनमें जो पॉपुलेशन है उनका अनुपात है, उन ए बी सी में पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का जो अनुपात है वो 9:8:3 है, लोकैलिटी ए के 80% जो लोकैलिटी ए के 80% लोग साक्षर हैं, लोकैलिटी बी के 30% लोग निरक्षर हैं, इलिटरेट है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपका कहीं लिटरेट कहीं इलिटरेट लिख दिया जाता है तो जल्दी के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि लिटरेट लिखा था या इलिटरेट, और आंसर मैच कराना स्टार्ट कर देते हैं, गलती से गलत वाला आंसर मैच कर जाता है ऑप्शन, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन का आंसर सही मान करके आगे बढ़ जाते हैं जबकि क्वेश्चन का आंसर गलत हो चुका होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है लिटरेट इलिटरेट क्या लिखा है, एक एक पॉइंट ध्यान समझना है। 30% मतलब बोला गया लोकैलिटी बी के 30% लोग निरक्षर हैं और लोकैलिटी सी के 90% लोग साक्षर हैं, तो बताइए कि उस शहर के कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। अच्छा अगर आप इस क्वेश्चन में चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, वही तरीका वही कंसेप्ट आपका वेटेज एवरेज, तो दोनों तरीके में बताते चल रहा हूं ताकि आप अगर थोड़ा ध्यान से करें तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, और बेहतर तरीका कौन सा होगा वो आपका आज की क्लास समाप्त होने तक आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि बोला गया है लोकैलिटीज है ए बी एंड सी, और इसमें जो पॉपुलेशन है जो जनसंख्या है इन तीनों लोकैलिटीज में वो रेशियो है आपका 9:8:3।
अब आपका आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि लोकैलिटी ए के कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, तो बताया गया 80%। लोकैलिटी ए के 80% लोग साक्षर हैं, लोकैलिटी बी के 30% लोग निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे कितने हैं, तो 100% में से 30% हटा दो जो कि निरक्षर हैं, तो हम कहेंगे 70% लोग साक्षर हैं। और अगर लोकैलिटी सी की बात करें जो कि आपका रेशियो के अकॉर्डिंग 3 है, उसमें 90% लोग साक्षर हैं। जो आपका लोकैलिटी सी है उसमें कितने परसेंट लोग साक्षर हैं, 90% लोग साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। तो अब आप आइए यहां पर इसमें बोला क्या गया, देन फाइंड द परसेंटेज लिटरेसी इन दैट टाउन। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत हैं पूरे उस टाउन शहर में मिला के, यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल की बात कर रहे हैं, और टोटल मिलेगा कैसे इनको ऐड करने पर, तो ये आपका 80%, इसका 70% और इसका 90% आपका बोला गया है, बताया गया है कि वो क्या है, तो वो है लिटरेट। तो बोला गया ओवरऑल कुल मिला के जितनी पॉपुलेशन है उसमें कितने प्रतिशत आपके साक्षर हैं, तो यहां पर फिर से वेटेज एवरेज की ही बात की जा रही है, मतलब टोटल में चेंज की बात की जा रही है, और ये सब ऐड करके जो आपका रिजल्ट आएगा वो टोटल आएगा, तो यहां पर हम यूज क्या करेंगे, वेटेज एवरेज। तो एक तो तरीका आपका वो वाला कौन वाला की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 72 720 + 8 7 56 560 39 270 आपका डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो आपका कितना आएगा, तो वो आप ध्यान रखना है, ऐसा मत करना कि इस परसेंटेज का रेशियो निकाल देना, ये क्यों नहीं निकालते हैं, ये हम लोग एलिगेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा क्लियर आपको। क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, क्वांटिटी आपका ये है मतलब नंबर ऑफ पर्सन का, तो 9 और 8, 8 और 9 17 3 20, यानी अगर यहां से देखें तो आप यहां देखिए कि सब जगह 0 है, 0 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचा कितना ऊपर 7 और 6 13 9, उसके बाद बचा 8 7 15 159 अपान, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो ये बचेगा, देखते हैं मैं एक बार कैलकुलेट करके, 8 7 56 569 3 270 और 9 8 720, 0 कैंसिल हो गया, 7 6 13 13 + 2, यहां गलत कर दिया, 7 + 6 13 13 + 2 15, 1 कैरी ओवर, 7 5 12 + 2 14 + 1 15 7 6 13, ठीक है 155/2, और डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 7 7 14 2 7 14 और 0.25 10, यानी 77.5% लिटरेसी है उस शहर की। तो उस शहर की लिटरेसी कितनी है, तो आप यहां पर कह पाएंगे कि उस शहर की लिटरेसी जो है लिटरेट लोग हैं वो कितना हो गए, तो हम कह सकते हैं कि 77.5%। अच्छा, अगर आपको मैंने जो बताया था वही जो दूसरा तरीका था, वो दूसरा तरीका ये होगा कि मैंने कहा ओवरऑल कितना परसेंट लोग लिटरेट है, मैंने कहा कि ओवरऑल लिटरेसी हमने कहा यहां पर 70% है, ओवरऑल लिटरेसी 70% मान लिया। अगर आपका यहां पर ओवरऑल लिटरेसी 70% है तो ये कितना ज्यादा है, 10, अगर 10 जाता है तो 9 × 10 + 90 आ गया, उसके बाद यहां पर कितना है 0, न ज्यादा है न कम, 0 0 × 8 0 नेग्लेक्ट कर दिया, यहां कितना ज्यादा है +20 20 × 3 + 60 और डिवाइडेड बाय 9 + 8 + 3 यानी 20, तो 150/20 आपका आता है कितना, प्लस का 7.5, तो 70 आपने माना था, यहां प्लस का 7.5 एक्स्ट्रा आ रहा, तो प्लस का 7.5 ऐड किया, तो 77.5 लिटरेसी आ गया यहां पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, थोड़ा आसान तरीका लग सकता है, लेकिन अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे तब, बिना प्रैक्टिस किए आप आसान कहें या टफ कहें इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ना लॉजिक है इसका कोई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि नेहा गेव बीए एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स ऑफ आर्ट सोशल साइंस होम साइंस हिंदी एंड हिस्ट्री आर 105, 90, 150, 135 and 120 marks respectively. If she obtained 60%, 78%, 72%, 80% and 96 marks respectively, find her overall percentage. नेहा ने बी ए का एग्जाम दिया जिसमें 5 विषयों के अधिकतम अंक 5 विषय सोशल साइंस, अब ये हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप समझदार हैं बता देख लेना, सोशल साइंस होम साइंस सॉरी आर्ट्स पहले तो आर्ट्स सोशल साइंस
होम साइंस, हिंदी और हिस्ट्री के अधिकतम अंक 105, 90, 150, 135 और 120 हैं। अगर उसने क्रम से 60%, 78%, 72%, 80% और 96 अंक प्राप्त किए हैं तो बताइए उसका ओवरऑल प्रतिशत कितना अंक है। अच्छा, उस एग्जाम में ओवरऑल कितना प्रतिशत अंक मिला है उसे अगर ये यहां पर बताना है, यहां पर 2, 3, 4 की बात नहीं, 5 सब्जेक्ट की बात की गई है, तो यहां पर भी वेटेज एवरेज का यूज कर सकते हैं। आपका उस तरीके से कैसे होगा यूज वो आप देखते जाइए, समझते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो बोला गया है कि आर्ट्स की बात की गई है, दूसरा आपका बोला जा रहा है सोशल साइंस, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, सोशल साइंस हो गया दूसरा पार्ट, तीसरा हो गया आपका होम साइंस, चौथा आपका हो गया हिंदी और पांचवा सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका हिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट की बात की गई है और इनके मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स अगर देखें तो पहला का मैक्सिमम मार्क्स है 105, दूसरे का मैक्सिमम मार्क्स है 90, तीसरे का मैक्सिमम मार्क्स है 150 और क्रमशः की बात की गई, चौथे का मार्क्स है मैक्सिमम 135 और उसके बाद पांचवें का मैक्सिमम मार्क्स है 120। इसमें से अगर आप देखें कि कितना कितना परसेंटेज हर एक में मिला है, तो हर एक में मिला है यानी 105 का कितना परसेंट मार्क्स मिला है आर्ट्स में, तो बोला गया 60%। आगे देखते हैं, एक एक स्टेप देखते जाइए, समझते जाइए। दूसरे वाले सब्जेक्ट में यानी 90 मार्क्स का जो पेपर था उसमें कितना मिला है, ये मार्क्स नहीं है, परसेंटेज 78%। जो ये होम साइंस था 150 अंक का पेपर, उसमें कितना परसेंट मार्क्स मिला, 72%। जो हिंदी था 135 अंक का, उसमें कितना मार्क्स मिला, 80%। और जो आपका हिस्ट्री था उसमें कितना मार्क्स मिला, 96। अच्छा, 96 मार्क्स मिला है सब परसेंटेज में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 96 कितने में मिला है, 120 में, कितने परसेंट है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं, 0 कैंसिल, 12 एट जा 96 यानी 80%। तो इसको हटा करके हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 80%। ये आपका अंक को अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो यहां पर 80% हो जाएगा। अब हम यहां पर वेटेज एवरेज का यूज करते हैं। अच्छा, एक तो तरीका, दोनों तरीके आपके सुटेबल हैं, जो आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो तरीका मैंने जो बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि परसेंटेज का नहीं, आपका जो ये वाला पार्ट है जिस पर कैलकुलेशन हो रही परसेंटेज की, उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें रेशियो निकाल सकते हैं। और रेशियो निकालें तो क्या रेशियो आ रहा है, मैं यहां पर लिखा हुआ कैंसिल नहीं करूंगा, इसको यहां पर लिख दूंगा, मतलब डिलीट नहीं करूंगा, रफ नहीं करूंगा। तो 15 से ये 7 बार गया, ये 7 हो गया, ये 15 से 6 बार गया, या 15 से 10 बार गया, ये 15 से 9 टाइम्स गया, ये 15 से 8 टाइम्स गया। तो ये आपका रेशियो आ रहा है कि वो मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो क्या है। अब उसका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसका 60%, इसका 78%, इसका 72%, इसका 80% और इसके 80% जो है इसको मार्क्स के नहीं, हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब आपका यहां पर बोला जाए कि ओवरऑल कितना परसेंट मिला, तो इसका 60%, इसका 78%, इसका 72%, इसका 80%, इसका 80%, तो आप डायरेक्टली वही तरीका यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई वाला। कौन सा तरीका मल्टीप्लाई वाला, तो हमने पता है कि उसका उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो लिखते जाएंगे। यहां पर आपका परसेंटेज से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 6 = 420 प्लस 6 × 78, तो या अगर 80 होता तो 480 से 12 माइनस कर देते हैं, 468। यहां पर 10 × 72 यानी प्लस का 720, यहां पर 9 × 8 = 80 720, यहां पर 8 × 80 = 640 डिवाइडेड बाई कितना, और एवरेज निकालना 7 और 6 13 13 और 10 23 23 और 9 23 और 9 32 32 और 8 40, यानी यहां से अगर ऐड करके देखते हैं तो 0000088 हो गया। यहां पर 4 × 10 + 4 = 6 + 2 = 8 + 6 14 + 2 = 16 कैरी ओवर, यहां पर 6 + 7 = 13 13 + 7 13 + 7 = 20 20 + 4 24 + 4 = 28 + 1 = 29 डिवाइडेड बाई 40। अब अगर यहां डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो रहा है तो ठीक, नहीं डिवाइड होगा तो देखा जाएगा। पहले तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 × 3 = 24 8 × 7 = 56 8 × 1 = 8 8 5 यानी डिवाइड कर दिया तो 5 × 7 = 35 5 × 4 = 20 74.25
टू यानी 74.2% आ गया। अब आपका यहां से क्वेश्चन का आंसर तो आ ही चुका है कि नहीं, हाँ ओवरऑल उस जो भी नेहा थी, नेहा को ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का मिला के अगर एवरेज निकाला जाए तो 74.2% मार्क्स मिले हैं। अगर मैं इसी को उस तरीके से करूं, उस तरीके से कोई स्पेशल तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप देखें समझे ध्यान से तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने मान लिया ओवरऑल परसेंटेज एवरेज, मैंने मान लिया कि ओवरऑल एवरेज था, देखिए ये सब 70 के ऊपर नीचे हैं, तो मैंने कहा 70% ओवरऑल एवरेज था, यानी सारे सब्जेक्ट में उसे 70% मार्क्स मिला, और सारे सब्जेक्ट का 70% निकालेंगे तो 70% कॉमन हो जाएगा, ओवरऑल भी 70% हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि एक सब्जेक्ट ए बी सी, इसमें 70% अंक मिला इसे, इसमें 70% अंक मिला इसे, इसमें 70% अंक मिला इसको, अगर तीनों सब्जेक्ट में 70% अंक मिला है तो ओवरऑल कितने परसेंट अंक मिला है, तो ऐड करके देखो तो आप कहेंगे 70% ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर सब में 70% अंक मिला है तो ओवरऑल भी 70% अंक मिला होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने माना है यहां पर। अब देखिए 70 से कितना कम है, 10 कम है। अगर 70 से 10 कम है यहां पर, तो 70 से 10 कम यानी अगर ओवरऑल जो माना है उससे 10 कम अगर यहां पर है, टोटल ओवरऑल जो माना है मैंने उससे 10 कम यहां पर है, तो हम क्या कहेंगे 10 × 7 माइनस का 70। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर 70 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 × 6 48 प्लस का आपका आ जाएगा 8 × 6 48। यहां 70 से 2 ज्यादा है, 2 × 10 प्लस 20। यहां पर 70 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 × 9 90 प्लस का। यहां पर आगे देखिए कि यहां पर 80 है, 70 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 × 8 ज्यादा है, 80 यहां पर और आ गया। ये आपका देखिए कि ये टोटल जो भी आया है, पहले इसको देख लेते हैं और फिर डिवाइड किसे करना होगा, इन सबको ऐड करके, रेशियो को ऐड करके यानी 40 से डिवाइड कर देना होगा। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो मेरे को तो पता चल चुका है यहां से कि आएगा क्या, इसलिए इसका तो रिजल्ट 4.2 आएगा प्लस का, जिससे आपका रिजल्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं डिवाइड करके देख रहा हूं, अगर यहां देखें तो 70 से अगर यहां से कैंसिल करें 70 और प्लस 70 प्लस 90 माइनस 70 तो प्लस का 20, तो 20 + 20 + 20 + 40 = 168 आ गया। 168 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 4.2 आ रहा है क्या, तो अगर देखें तो हाँ आ रहा है, 4 से 40 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये आपका 4.2 ही आएगा, आप चेक कर लेना, प्लस का 4.2 आ रहा है, यानी प्लस का 4.2 अगर ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट आ गया 74.2%, यानी नेहा को ओवरऑल 74.2% अंक प्राप्त हुए हैं इन सारे सब्जेक्ट का मिला करके। तो ये आपके क्वेश्चन का जो तरीका है, दोनों तरीके हैं, एक तो तरीका ये जो मैंने अप्लाई करके दिखाया आपको किस तरीके से, और एक मानने का तरीका ये नहीं कि आप 100 मान लो और 100 मानेंगे तो ये सब वैल्यू भी बड़ी बड़ी आने लगेगी, कि ऐसा मानना है जिसे हम जब डिफरेंस फाइंड करें तो वो मिनिमम रहे, यानी ये भी ध्यान रखना है कि मिनिमम के साथ साथ एक प्लस का हो तो कोई दूसरा माइनस का हो, जिससे और मिनिमम हो जाए, और कम कैलकुलेशन हो जाए, और छोटा अंक दिखे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो 75 मान करके भी कर सकते थे, ओवरऑल 75% अंक मिला, तो उस केस में जो भी आता उसके अकॉर्डिंग अगर 74.2 आ रहा है तो 75 मानते तो 0.8 आपका रिजल्ट माइनस में आता, तो वो माइनस करते आंसर होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये शायद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस पैटर्न पर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो क्वेश्चन क्या है, सैलरी ऑफ ए इज 28.56% लेस देन बी, द सैलरी ऑफ बी इज 12.5% लेस देन दैट ऑफ सी, इफ द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इंक्रीज्ड बाय 20.5%, 18.5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, एंड द टोटल सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय ₹780, देन फाइंड द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर। ए की आय बी की आय से, मतलब ए की जो आय है बी की आय से 28.56% कम है, और बी की आय सी की आय से 12.5% कम है। अगर इनकी आय, मतलब इनकी किसकी, एबीसी की, अगर एबीसी की आय क्रमशः 20.5%, 18.5% और 10% बढ़ जाती है तो बताइए, सॉरी 10% बढ़ जाती है, और ये पाया जाता है कि तीनों का मिला के जो सैलरी था, कुल सैलरी जितना था उससे ₹780 बढ़ जाता है, तो बताइए तीनों की कुल सैलरी कितना थी।
अच्छा यहां पर भी तो वेटेज एवरेज का यूज करेंगे, क्योंकि अलग अलग आपका परसेंटेज बढ़ रहा है सबका अलग अलग वैल्यू पर, और फिर तीनों का मिला के जितना होगा टोटल उस पर कैलकुलेट करना है, तो यहां पर भी वेटेज एवरेज का यूज करके आंसर निकालेंगे और आंसर आ जाएगा तुरंत। यहां पर हम और भी तरीके करने के क्वेश्चन में, ये नहीं कहता कि मैं जो तरीका बता रहा हूं यही एक थे, दो तरीके हैं उसके अलावा और कुछ तरीका नहीं है, तरीका बहुत सारा है। अगर हम कहें कि ये रेशियो के अकॉर्डिंग तो उसमें जीरो जीरो बढ़ा के उस पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो तरीके पर बात कर रहा हूं, तो दो ही तरीके पर रुका हूं और अलग अलग तरीके पर नहीं जा रहा हूं। और अलग तरीके तो वो तो बाद की वीडियो में कभी ऐसे रेंडमली आकर के करेंगे तो आपको बताया जाएगा, मैं बता दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। 28.56% और आपका 12.5%, तो 12.5% तो हमें पता है 1/8 होता है, और 28.56% जो होता है 2/7 होता है, क्योंकि आपको ये बात पता होगी 14.28% यानी 14/2/7% ये जो लिखा जाता था अगर आपको याद हो तो 1/7 होता था, तो ये आपका उसका डबल है, इसका डबल है और डबल है तो सीधा सा 2/7 होगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी तीन की बात की गई है, तीन लोगों की बात की गई एबीसी, ए की जो ए की सैलरी है, सैलरी ऑफ ए इज 28.56% लेस देन बी, तो ए की सैलरी बी से कम है, कितना कम है 2/7, किससे कम है बी से, यानी बी की सैलरी को 7 भाग में डिवाइड करो तो 2 भाग कम, यानी अगर बी की सैलरी को 7 भाग में डिवाइड करो तो 2 भाग कम कितना है 5 है। उसके बाद आगे आते हैं और बोला गया कि जो बी की सैलरी है वो सी की सैलरी से 1/8 कम है, अगर बी की सैलरी 1/8 कम है सी की सैलरी से, यानी सी की सैलरी को 8 भाग में डिवाइड किया जाए तो 1 कम, सी की सैलरी को 8 भाग में डिवाइड किया जाए तो 1 कम है बी की सैलरी यानी 7 है, तो अगर सी की सैलरी 8 होगी तो बी की सैलरी 7 होगी, और बी की सैलरी 7 होगी तो ए की सैलरी 5 होगी, तो ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 578, इसको हटा दिया 578 हो गया। ए बी सी की सैलरी का रेशियो क्या था तो आप कह पाएंगे 5:7:8 था। अब आप देखिए कि ए की सैलरी कितना इंक्रीज हुई है, ए की सैलरी इंक्रीज हुई है 18.5%, बी की सैलरी कितना इंक्रीज हुई है तो बी की सैलरी इंक्रीज हुई है 20.5%, और सी की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है तो सी की सैलरी इंक्रीज हुई है 10%। यही आपको दिया गया था क्वेश्चन में, ये मैंने उल्टा इधर उधर के लिख दिया, ए की सैलरी 20.5% इंक्रीज हुई है, बी की सैलरी 18.5% इंक्रीज हुई है, और सी की सैलरी 10% इंक्रीज हुई है, और आपका ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है 780 इंक्रीज हुआ है। तो एक तो तरीका है ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, एक तरीका यह है कि हम मल्टीप्लाई करके ओवरऑल निकाल देते हैं, क्योंकि इसका इतना इंक्रीज हुआ, इसका इतना इंक्रीज हुआ, इसका इतना इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है टोटल सैलरी पर ऑन एन एवरेज। तरीका वही जो आपको डायरेक्टली करने के लिए मैं बोल रहा था, तो ये आप मल्टीप्लाई करिए 20 × 5 × 5, तो आप देखिए 20.5 × 100 यानी 102.5 प्लस या 18 × 7, तो 18 × 7 90 126 प्लस 126 प्लस 3.5 यानी 129.5 प्लस 10 × 8 80, आप डायरेक्टली उसका मल्टीप्लाई करते जाइए और डिवाइडेड बाय कितना, तो 7, 5, 12 और 8, 20 यानी 20 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो रिजल्ट आया, पहले इसको चेक कर लेते हैं कितना आया, तो आप यहां से रिजल्ट देख पाएंगे कितना आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है अगर ऐड करते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन ठीक है, 5, 5, 10 मतलब एक कैरी ओवर 0.5 है ना, 0.5 प्लस 0.5 1 हुआ, वो कैरी ओवर कर लिया, अब आपका किसी में पॉइंट नहीं है। 0, 9, 2, 11 प्लस 1, 12 वन कैरी ओवर, फिर उसके बाद टेंथ प्लेस पे चलते हैं 8 प्लस 2 10 10 प्लस 0 0 10 प्लस 1 11 वन कैरी ओवर। इसके बाद आते हैं 100 प्लेस पे, इसमें है नहीं, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 312/20, ये आपका क्या आ रहा है कि इतना प्रतिशत इंक्रीज हुआ ओवरऑल सैलरी, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अगर डिवाइड करें तो 2 × 1 = 2, अगर डिवाइड करें तो 2 × 1 = 2, या इसको रहने दें क्या ऐसे ही और डिवाइड करके देखते हैं, नहीं इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, तो इसको देखते हैं कि परसेंटेज में कितना आ रहा है ओवरऑल, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 20 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया तो 0 कैंसिल, एक प्लेस पर पॉइंट लगा दिया, 31.2/2 मतलब 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = यानी 15.6% ओवरऑल सैलरी इंक्रीज हुई है। यहां पर तीनों का मिलाकर के सारा जो सैलरी होगा उसका 15.6% निकालिए, उतना इंक्रीज हुआ है, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इंक्रीज हुआ है
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 780 रुपए इंक्रीज हुआ है, मतलब इतने परसेंट की वैल्यू 780 रुपए है, तो 1% की वैल्यू आप क्या निकाल पाएंगे? हाँ, आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने आता है, और कैलकुलेट करने आता है तो 7800 डिवाइडेड बाय 156 और डिवाइड करते हैं 15 से 5 बार जाता है तो कितना आता है, 15 से 5 बार 750, मतलब 150 यानी 50 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 50 रुपए। अच्छा, 1% की वैल्यू 50 रुपए आ गए, और हमें निकालना क्या है, और हमें निकालना है टोटल सैलरी तीनों का मिला के, मतलब हमें निकालना है 100%, तो 100% कितना आएगा, अगर 1% 50 है तो 2 जीरो और लगा देते हैं उसके साथ, इंटू 100 करेंगे तो 5000 रुपीज इन तीनों की सैलरी मिला के कितनी होगी, तो 5000 रुपए तीनों की सैलरी मिला करके होगी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है जो आप करते आए हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बताते आया हूं, आप समझ पाए होंगे। मैंने कहा इसका 20.5% सैलरी बढ़ा, दूसरे का बढ़ा 18.5%, तीसरे का जो सैलरी बढ़ा है वो बढ़ा है 10%, तो ओवरऑल कितना बढ़ा, तो इसके बीच में कुछ भी अच्छा लगता है तो मान लो, मैंने कहा कि 15 अच्छा लगता है, तो 15 अगर अच्छा लगता है तो मैंने कहा 15% ओवरऑल सैलरी तीनों का मिला के कितना बढ़ी, 15%। मैंने ये कहा कि पहले की भी सैलरी, ए की सैलरी 15% बढ़ी, बी की सैलरी 15% बढ़ी और सी की भी सैलरी 15% बढ़ी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब तीनों की सैलरी 15% 15% इंक्रीज होगी तो ओवरऑल भी सैलरी 15% 15% इंक्रीज होगी। लेकिन ये आपने कितना ज्यादा मान लिया, मैंने यहां पर कितना ज्यादा मान लिया है, तो यहां पर हम देखते हैं कि 15% हमने एवरेज माना है, यहां पर आपका 5.5% ज्यादा है, प्लस का 5.5 इंटू 5 इज इक्वल टू 27.5 प्लस का आ गया। यहां पर 18.5 कितना ज्यादा है, ये तो आ गया 27.5 प्लस का आ गया। इसके बाद 18 यहां पर आप देखिए कि 18.5 जो एवरेज हमने माना था कि 15% सबके सैलरी इंक्रीज हुई, यहां पर एक्चुअल में 3.5% ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो 3.5 इंटू 7, तो 7 इंटू 3 21 प्लस 3.5 24.5, यहां पर भी 24.5 एक्स्ट्रा हो गया। यहां पर जो माना है उसे 5% कम बढ़ा है, तो 5 इंटू 8 40 माइनस का 40%, तो ओवरऑल कितना आया, तो उसको डिवाइड करना होगा 7 प्लस 5 12 प्लस 8 यानी 20 से, तो यहां 27.5 प्लस 24.5 कितना हुआ इसको देखते हैं पहले, तो 0.5 हो गया, 1 प्लस 4 5 प्लस 7 12 12 हुआ 5 प्लस 7 12, 1 कैरी ओवर 2 प्लस 2 1 5, 52% आपका प्लस का आया, माइनस का 40, यानी टोटल कितना आ जाएगा, तो 12% आ गया। 12% क्या आ गया, तो 12% यहां पर 12% प्लस का रहा है, 12% प्लस का रहा है, और कितना है टोटल 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना रहा, 0.6% प्लस का 0.6%, मतलब आपका 0.6 ऐड कर दीजिए तो 15.6% ओवरऑल सैलरी इंक्रीज हुई थी तीनों को मिला करके। बाकी कहने का 15.6% इंक्रीज हुई है, दिया गया 780 बराबर किया, 1% की वैल्यू निकाला, 100% निकाला, तीनों की सैलरी मिला करके कितना कुल बढ़ी, वो आपका रिजल्ट आ गया 5000। तो आप देखो, मैंने आपको बस केवल दो तरीके से सोचने के लिए बोला है, ये जो तरीका अप्लाई करें इसका बेसिक एक्स वाई जेड मानने की जगह मैंने आपको इस तरीके से किया। आप चाहो तो यहां पर 500 700 800 करो तो उसमें भी आप जीरो लगाओ, फिर जीरो को कैंसिल करो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बाद में कैलकुलेट करोगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा, तो कोई मतलब नहीं है कि उसके लिए जीरो बढ़ाएं और जीरो घटाएं और एक्स वाई जेड लिखें, आपको कुछ इस तरीके से करना है। और आपको मैंने जो दूसरा तरीका बताया है वो भी थोड़ा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना होगा उसके लिए प्रैक्टिस। तो चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।